खरखौदा में एसबीआई नवीनीकृत ब्रांच का शुभारंभ। खरखौदा में सोमवार को जनरल मैनेजर दिग्विजय सिंह रावत ने रिबन काटकर नवीनीकृत ब्रांच का शुभारंभ किया है। मैनेजर बालकृष्ण शर्मा द्वारा खरखौदा ब्रांच में दिल्ली सर्कल के जनरल मैनेजर दिग्विजय सिंह रावत के पहुंचने पर उनका बुके देकर स्वागत किया। वहीं जनरल मैनेजर दिग्विजय सिंह रावत ने बताया, शहरवासियों को और बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा, जिससे शहरवासियों के अलावा आसपास के क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा। इस मौके पर काफी लोगों के नए खाते भी खोले गए। जनरल मैनेजर दिग्विजय सिंह रावत ने खाताधारकों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि एसबीआई कई तरह के लोन देती है ताकि आमजन अपना रोजगार कर सके। कोर्स करने वाले छात्रों के लिए भी एसबीआई द्वारा लोन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि एसबीआई की लोन के अलावा भी कई अन्य स्कीमें में जिसका उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान असनीआर हरियाणा डीजीएम अमरेंद्र कुमार सुमन, एजीएम मोहित गर्ग, मुख्य प्रबंधक बालकृष्ण सहित कई अन्य ब्रांचों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, हरियाणा राज्य में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 805 शाखाएं हैं। इसमें से कुछ शाखाएं चंडीगढ़ सर्कल के अंडर में कार्य करती हैं, कुछ शाखाएं दिल्ली सर्कल के अंडर में कार्य करती हैं। दिल्ली सर्कल के अंडर में मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, सोनीपत, गुड़गांव, अलवर व फरीदाबाद। और नू एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो नू एक और डिस्ट्रिक्ट है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट आज की तारीख में है, जहाँ पे करीब हमारी 140 के करीब शाखा है। और ये सोनीपत की शाखा जो है, खरखौदा शाखा 1981 में खुली थी, और उसके बाद अभी इसका जो है नवीनीकरण किया गया है। शाखा का जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है बैंकिंग के, उसके तहत इसका नवीनीकरण किया गया है। तो ब्रांच में जो बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसमें डिजिटल बैंकिंग, एटीएम ट्रांजैक्शंस के लिए और डे टू डे काउंटर पे ट्रांजैक्शन के हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और शाखा जो है मेनली खरखौदा ब्लॉक को कैटर करती है। तो चूँकि ये एरिया ज़्यादातर आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमी, मेनली एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो शाखा जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम उन्होंने चलाई है, उसके तहत एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट में जो भी फाइनेंसिंग हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि वेयरहाउस हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, और उसके अलावा जो बेसिक जो एग्रीकल्चर में किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है, वो सब इस शाखा के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और शाखा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है लोकल क्लाइंटेल को मुहैया कराने की कोशिश में सबसे आगे है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में इस शाखा के कारण यहाँ के लोगों में समृद्धि भी होगी, और उसी के साथ ही जो है उनको बिजनेस एक्टिविटी के लिए या अपने छोटे मोटे जो भी कार्य करना है कृषि के अलावा, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए शाखा ऋण उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगी। सर, गरीबों के लिए भी कुछ खास कर कुछ योजनाएं लागू की गई है कुछ? देखिए, जो गरीबों के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है जनधन योजना में बचत खाते खोलना है, जिसके तहत जो है उनको जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी धन वितरित करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, उसमें शाखा पूरा पूर्ण सहयोग प्राप्त करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के जो लोन होते हैं,
जो कि स्वराज रोजगार की भावना को प्रेरित करते हैं, उसके लिए भी शाखा त्वरित लोन बांटने में तत्पर रहेगी। और ये सब सुविधाएं गरीब लोगों के लिए भी उपलब्ध हैं और इसके अलावा जो आम समुदाय है उसके लिए भी ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें।